हेलो दोस्तों, मैं कोमल परिहार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब तक पर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम लोग देख रहे थे क्या प्रतिशत, प्रतिशत हम लोग बच्चों देख रहे थे क्या प्रतिशत। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था क्या कि किसी आयत की लंबाई में इतने परसेंट की वृद्धि हो जाती है तथा चौड़ाई में इतने प्रतिशत की कमी हो जाती है। हम लोगों ने इस टाइप के सवाल देख लिए। हम लोगों ने यह भी देखा था कि किसी वस्तु की कीमत में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, खपत में इतने प्रतिशत की कमी हो जाती है। मतलब हम लोगों ने यह टाइप निपटा लिया था, अपना कल खत्म कर लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे बच्चों, जैसे कि मैंने कहा था, नेक्स्ट टाइप। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन कहता है बच्चों कि किसी किसी परीक्षा में क्या, क्वेश्चन क्या है कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी क्या 70% विद्यार्थी एक 70% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं। किसमें? गणित में पास होते हैं। ठीक, पास होते हैं तथा 80% विद्यार्थी 80% विद्यार्थी तथा 80% विद्यार्थी इंग्लिश में पास होते हैं। किसमें? अंग्रेजी में। ठीक, अंग्रेजी में पास होते हैं। ठीक, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं तथा 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं तथा 150 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। तो परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक बच्चों, सवाल कह रहा है कि किसी परीक्षा में 70% स्टूडेंट क्या मैथ में पास होते हैं तथा 80% स्टूडेंट इंग्लिश में पास होते हैं। ठीक, तथा 150 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, तो परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। देखिए बच्चों, हम लोगों को इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना पड़ता है, मात्र 10 सेकेंडों में सवाल आ जाएगा। देखिए हम लोगों को केवल 2 गोला बना लेने होते हैं ऐसे, इस प्रकार से 1 गोला 2 गोला, इस टाइप के सवाल मात्र 2 गोला में खत्म हो जाएंगे। देखिए यहां पे क्या हो गया, मैथ, यहां पे क्या हो गया, इंग्लिश। ठीक, तो मैथ में कितने हैं 70%, तो मैथ में हो गए कितने 70%। ठीक, इंग्लिश में कितने हैं 80%। ठीक, देखिए दोनों का यहां पे बीच में कितने आएंगे, बोथ, तो दोनों का योग कितना होगा 80 प्लस 70, कितना 150, तो 100 से कितने ज्यादा हैं 50, तो बीच में कितने आ जाएंगे 50। ठीक, तो अगर 70 यहां पे है, 50 यहां पे है बीच में, ठीक, और 80 यहां पर है, 50 बीच में है, 50 कैसे आए, 8 7 15, 100 से कितने ज्यादा हैं। देखिए 100 से जितने ज्यादा होंगे वो दोनों बीच में आएंगे बच्चों। ठीक, तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिया तो 100 से कितने ज्यादा है, 50 ज्यादा है, तो 50 बीच में आ गए,
50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ में भी पास हुए हैं और 50% और इंग्लिश में भी पास हुए हैं। तो मैथ अकेले में कितने पास हुए होंगे? फिर देखिए, मैथ अकेले में पास हुए होंगे 70 में से 50 घटा दो तो कितना? 20। ठीक। और इंग्लिश अकेले में कितने पास हुए होंगे? तो 80 में से 50 घटा दो तो 30। समझ में आया बच्चा आपको कि मैथ में कितने हैं? ओवरऑल पूरे मैथ में कितने हैं? 70। पूरे इंग्लिश में 80। तो दोनों में कितने होंगे? 8, 7, 15। ठीक। 150 में से 100 में से 150 कितने ज्यादा हैं? 50 ज्यादा हैं। तो जितने ज्यादा होंगे 100 से, उनको बीच में कर देंगे। ठीक। तो ये हो गए दोनों। यदि मैथ में कितने? 70 हैं और दोनों विषय में 50 हैं, तो केवल मैथ में कितने पास हुए होंगे? तो केवल मैथ में बच्चों 70 में से 50 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 20 बच्चे। ठीक। इसी प्रकार इंग्लिश में 8 है और दोनों में कितने हैं? 50। तो 80 में से 50 चले गए तो 30 केवल, तो केवल इंग्लिश में कितने बचे? 30 निकलाए। मैथ में केवल 20, इंग्लिश में केवल 30, दोनों में 50। अब सवाल क्या कह रहा है? दोनों विषयों में 50 150 विद्यार्थी पास हुए। ठीक। तो वैल्यू किसकी? 150 वैल्यू किसकी है? 50 की। चाहिए किसकी है? कुल स्टूडेंट हम लोग 100 मानते हैं तो 100 की। 50 एकम 50, 50 150, 130, 300। तो कुल कितने विद्यार्थी रहे होंगे बच्चों? 300 विद्यार्थी रहे होंगे। ठीक। चलिए देखिए एक बार और मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से। देखिए, किसी कक्षा में 70% विद्यार्थी मैथ में, तो 70 मैथ में किसी, तथा 80% इंग्लिश में। अब देखिए इनमें क्या है, जो दोनों विषयों के निकालने होते हैं यहाँ पे, दोनों विषयों के बोथ। तो ठीक। तो जो दोनों विषयों के होते हैं वो 100 से जितने अधिक होंगे, 100 से जितने अधिक होंगे वो दोनों विषयों में होंगे। ठीक। तो यहाँ पर 100 से कितने ज्यादा हैं? 70 और 80 कितने हो गए? 150। 100 से कितने ज्यादा हैं बच्चों? 50। तो बीच में कितने? 50। अब यदि मैथ में 70 हैं और दोनों विषयों में 50 हैं, तो केवल मैथ में कितने पास होंगे? तो केवल मैथ में होंगे 70 माइनस 50। ठीक। 70 माइनस 50, 20। ठीक। इतना समझ में आया आपको? अब देखिए आप इसी तरह अंग्रेजी में, 80 में से 30 चले गए, 80 में से 50 गए 30। देखिए मैं बताऊं, ए देखो ए दोनों में है, दोनों में नहीं, आपने रीजनिंग में देखा होगा ए दोनों है। ठीक। तो ए जो इतना अकेला बचा है, कितना बचा? इतना अकेला बचा क्या? केवल मैथ। ठीक। अगर ये पूरा जोड़ देंगे 50 और 70 हुए मैथ में। ठीक। इसी प्रकार ये इतना कितना है? इतना 30, ये केवल इंग्लिश है, और इंग्लिश में कितने? 30, 50, 80। तो इंग्लिश देखिए इतने में जोड़ लेंगे तो मैथ में भी 50 पास है इसमें, तो दोनों में मिला के तो 50 केवल मैथ, 20 केवल इंग्लिश, 30। समझ में आया बच्चों आपको? अब जो कुछ भी पूछ दे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सवाल में क्या दिया है? 150 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, यहां पर दोनों में कितने पास हो रहे हैं? 50। ठीक। तो 150 के नीचे 50, कुल विद्यार्थी पूछा तो 100 का गुणा कर दिया। अगर यहीं पर पूछ लेता मैथ में कितने पास हुए, तो 70, इंग्लिश में कितने पास हुए, तो 80 का गुणा कर देते। यदि पूछ लेता कि केवल मैथ में कितने पास हुए, तो 20 का गुणा कर देते। केवल इंग्लिश में कितने पास हुए, तो 30 का गुणा कर देते। समझ में आया? आपसे जो पूछे उसका गुणा कर दो, जो वैल्यू दी हो उसको बटे में कर दो। वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी 150 वैल्यू किसकी थी? दोनों की। दोनों 50 50, कुल स्टूडेंट 100 तो 100। तो लिख लीजिए आप लोग सवाल। एक सवाल और देखते हैं इसी तरह का। देखिए आप लोग, अगला लिखिए, अगला यहां पर मैं संख्या पर चेंज किए दे रहा हूं बस। ठीक। यहां पे लिख लीजिए बच्चों कितना? 60% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं। ठीक। तथा
50% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं, ठीक, तथा 100 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, तो परीक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। देखिए सवाल क्या कह रहा है, अब इतना भी साफ कर दूं मैं, देखो सवाल कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं तथा 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं तथा 100 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, तो परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। तो किस प्रकार करेंगे बच्चों, हम दो गोला बना लेंगे, देखते हैं दोनों विषयों में, देखिए दोनों विषयों में अगर दे दिया जाए तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे दोनों विषयों में दिया नहीं है, तो देखिए दोनों को जोड़ दो, जितने ज्यादा होंगे वो हो जाएंगे दोनों विषयों में। जैसे 60+50, 60+50 कितना 110, तो 100 से कितने आ देखें 110, दशा देखें तो 10 बीच में आ गया, तो 10 दोनों विषयों में। तो मैथ में कितने हैं 60, ठीक, इंग्लिश में कितने हैं 50, तो 60 में से 10 चली गई, कितनी बची यहाँ पे 50, केवल मैथ 50, 50 में से 10 चली गई 40, तो केवल इंग्लिश 40। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 100 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हो रहे हैं, तो 100 वैल्यू किसकी, दोनों में कितने में है 10, चाहिए किसकी, कुल स्टूडेंट की, तो 100, तो कुल स्टूडेंट कितने रहे होंगे 1000, 1000 कैसे, 100/10 × 100, 1 0 से 1 0, 100 के साथ 1 0 और चिपका दो तो 1000। समझ में आया बच्चों आपको, इस प्रकार से देखिए जो पूछे उसका कर देना, 200 100 क्या 100 विद्यार्थी या 100 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते थे, तो हमने बच्चों क्या किया, हमने दोनों विषयों में यहां पे 10 निकाले, तो 100/10 निकालना क्या है कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक। अगर यहीं पे पूछ दे कि चलिए अगले सवाल में देखेंगे हम लोग, अगले सवाल में, ठीक, तो यह हो गया, अगला लिख लीजिए। किसी कक्षा में, अगला लिख लीजिए, एक सेकंड तो गीला कर लूं पहुंचने के लिए। देखिए बच्चों क्या है यहां पे देख लीजिए, चलो सवाल यही रहने दें, यहां पे कर लो एक संख्या बदल लो, यहां पर क्या, यहां पर कर लो 70%, ठीक। सवाल क्या हो गया, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं तथा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं, ठीक, तथा 100 विद्यार्थी, 100 ना करके यहां पे, तथा 90 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी अब लगाइए सवाल, देखिए किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी मैथ में पास होते हैं तथा 70 विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं तथा 90 विद्यार्थी केवल गणित में पास होते हैं, तो पूरी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लीजिए गोला मैंने बना दिया आपकी सहूलियत के लिए, लगाइए आप लोग आगे, इसके बाद मैं बताता हूं, पानी पी लूं जब तक। चलिए आया आप लोगों से, देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल कह रहा है कि
कि 60 विद्यार्थी मैथ में, तो मैथ हो गया, अंग्रेजी हो गई, 60% और 70%, दोनों का योग कितना होगा, 60 + 70 बराबर 130, तो 100 से कितने ज्यादा हैं, 30, तो 30 बच्चों बीच में रख दिया, 60 में से 30 गए 30, 70 में से 30 गए 40, ठीक। अब देखिए, इसी में मैं सभी प्रकार के बता दूंगा, इस सवाल में सभी प्रकार के। अब देखिए आप लोग, 60 130, 70 + 60 130, ठीक, तो कितने 30 ज्यादा हो गए 100 से, तो कितने 30 हो गए दोनों में, तो यहाँ पे क्या 60 में से 30 गए कितने 30, 70 में से 40 गए, 70 में से 30 गए 40, समझ में आया। 30 क्या है, यह है केवल मैथ, क्या केवल मैथ, 40 कितने क्या है केवल इंग्लिश, ठीक। तो क्या कह रहा है सवाल कि 90 विद्यार्थी केवल मैथ में पास हुए हो, 90, ठीक, कितने बोल रहा है 90, और यहां पे केवल हुए कितने हैं 30, तो कुल विद्यार्थी 100 का गुणा, ठीक, केवल 90, केवल बच्चों कितने हुए 30 हुए, कुल विद्यार्थी कितने हैं 100, तो क्या 100 का हम लोग गुणा कर देंगे, तो 30 से कम 30, 30 का 990 बराबर 300 विद्यार्थी, ठीक, कुल स्टूडेंट कितने हो गए 300। अब अगर आप पूछ देता कि इंग्लिश में कितने पास हुए, तो क्या करते 90/30 गुणा इंग्लिश में कितने हैं 70 पास हुए इंग्लिश में, तो 70 का गुणा कर देते, तो कितना हो जाता 7 21 210। देखिए यहां हो गए कुल विद्यार्थी, कुल यहां हो गए इंग्लिश में, अब देख लेते हैं हम केवल इंग्लिश, केवल इंग्लिश, तो केवल इंग्लिश में कितने होंगे 90/30 × 40, 40 क्यों किया हमने, केवल 40 इंग्लिश में, तो कितना 30 + 3 = 12 = 120, ठीक, तो 120 क्या हुए केवल इंग्लिश। अब क्या, अब मैथ में निकाल लेते हैं हम लोग, क्या मैथ में, गणित, गणित में क्या करेंगे हम लोग 90/30 × 60, तो मैथ में 7 है ना, तो 60 तो बराबर 36 18 180, ठीक। तो मैंने देखो हर में निकाल दिए, देखो जिसको निकाल लो, मैंने क्या कहा बच्चों, हम लोगों को जिसके भी निकालना हो उसका गुणा कर देंगे। देखिए सवाल में किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास हो गए, गणित में 7 हो गए, तथा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास, तो 70 इंग्लिश में हो गए, तथा 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में, 90 विद्यार्थी केवल गणित में पास होते हैं, क्या केवल मैथ में 90 विद्यार्थी पास होते हैं, तो परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या देखिए 60 + 70 = 130, तो 130 100 से कितने ज्यादा है 30 ज्यादा है, तो 30 को क्या हम लोग बीच में रख देंगे। अब देखिए मैथ में 60 है, तो केवल मैथ में कितने होंगे 60 में से 30 चले गए 30, इंग्लिश में 70 है, तो केवल इंग्लिश में कितने 70 में से 30 चले गए 40, इतना हम लोगों ने निकाल लिया। सवाल कह रहा है 90 विद्यार्थी केवल मैथ में, तो 90 केवल मैथ में कितने हैं 30, कुल विद्यार्थी निकालना है, तो 100 का गुणा कर देंगे, 30 से कम 30, 30 ती 90, 100 ती 300, इंग्लिश के विद्यार्थी पूछे तो वैल्यू 90/300, जिसका पूछे उसका गुणा कर दो, इंग्लिश में कितने 70, तो 3 7 21 210 इंग्लिश में। अब पूछ लिया केवल इंग्लिश में, तो 90/30 × 40, 90/30 × 40 बराबर 120, 30 90 3 4 12 120, ठीक। अब पूछ लिया मैथ में कितने, तो 90/30 × 60, मैथ में कितने 60, तो 36 18, 30 90 30 18 180, तो समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया हो तो इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए।
हो गया तो देखिए सवाल देखिए बच्चों, सवाल कहता है कि किसी परीक्षा में 32% विद्यार्थी हिंदी में फेल होते हैं, तथा 40% विद्यार्थी किसमें फेल हो जाएंगे, विज्ञान में फेल होते हैं, तथा 22% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए होंगे। ठीक, सवाल कहता है बच्चों कि किसी परीक्षा में 32% विद्यार्थी हिंदी में फेल होते हैं तथा 40% विद्यार्थी विज्ञान में फेल होते हैं तथा 22% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं तो परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे या पास होंगे। देखिए बच्चों, जो इस प्रकार का सवाल होता है बच्चों उसको हम लोग किस प्रकार करेंगे, देखो इस प्रकार के सवाल को बच्चों हम लोग ऐसे करेंगे कि देखो गोला बना लो, बात खत्म, गोला बनाया सवाल खत्म, बीच में देखिए कुछ हो रहा है दे दिए, 22% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं तो दोनों में फेल कितने हो गए 22%। ठीक, तो 32% विद्यार्थी जो हो गया हिंदी और जो हो गया विज्ञान, तो यहां पे कितने हैं 32 और यहां पे कितने हैं 40%। अगर 22% दोनों में हैं तो यहां पे कितने बचेंगे 18 और यहां पे कितने बचेंगे 22, 32 और 22 कितने हो गए 10, 32 में से 22 गए क्या बचे 10, यहां पर 18। अब देखिए 40 में से 22 गए 18, 32 में से 22 गए 10, ये हो गए फेल, हो गए ना फेल, तो फेल कुल कितने हो गए जोड़ दो तीनों को 50%, 20 दूनी 40 50, अगर 50% फेल हो गए तो पास कितने हो गए 50% बच्चों पास होंगे। देखिए जब बच्चों 50% फेल हो जाएंगे स्टूडेंट तो पास कितने होंगे 85% पास होंगे, तो बस सवाल क्या खत्म। देखिए यहां पे क्या दोनों विषय दे दिए, पिछले वाले सवाल में क्या था बच्चों दोनों विषयों का देता नहीं था, दोनों विषयों में बच्चों की संख्या देता था परसेंटेज में नहीं देता था, यहां पर दोनों विषयों का दे दिया उसने कि 22% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो दे दिया तो 22 हो गए बीच में, 40 में से 32 में से 22 गए 10, 40 में से 22 गए 18, 18 22 40 10 50, यदि 50 बच्चे दोनों विषयों में फेल हो जाएंगे तो पास कितने होंगे 50 ही पास होंगे। ये सवाल था, छोटा सा सवाल था, लिखिए आप। देखिए जो यहां पर जो 22 है आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि उसमें तो हम लोग दोनों का अंतर कर देते 100 से ज्यादा होता था,
तो बच्चों वहां पर दोनों विषयों का परसेंटेज नहीं देता था, वहां पर देता था संख्या वैल्यू देता था कि 150 या कुछ, यहां पर दे दिया परसेंटेज, इस सवाल में दे दिया परसेंटेज। अगर परसेंटेज दे दी तो वो बीच में आई जाएगी, तो बीच में आ गए कितने 22%, तो 32 में से 22 गए 10, 40 में से 22 गए 18, 18 22 40, 22 10 32 हो गए। इस प्रकार से लिखिए आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट सवाल डालिए, एक देखिए बच्चों सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखिए। ये सवाल हो गया हो आपका, तो सवाल लिखिए कि एक परिवार के पास 70% लोगों के पास फोन है, क्या एक परिवार में, सवाल क्या कह रहा है कि एक परिवार में 70% लोगों के पास फोन है तथा 20% लोगों के पास सिम है, ठीक। सवाल कह रहा है कि एक परिवार में 70% लोगों के पास क्या है, लोगों के पास फोन है तथा 20% लोगों के पास सिम है, ठीक, तथा 10% लोगों के पास दोनों हैं, ठीक। देखिए एक परिवार के पास, एक परिवार में 70% लोगों के पास क्या है, मोबाइल है तथा 20% लोगों के पास क्या है, सिम है तथा 10% के पास दोनों हैं। यदि परिवार में, ठीक, दोनों हैं, ठीक, यदि परिवार में, यदि परिवार में 100 लोग हैं तो कितने लोगों के पास क्या है, मोबाइल है, पास मोबाइल या फोन कर लो, लो फोन, ठीक। तो एक परिवार में 70% लोगों के पास फोन है तथा 20% लोगों के पास केवल सिम है तथा 10% के पास दोनों है। यदि परिवार में 100 लोग हैं तो कितने के लोगों के पास फोन होंगे, लगाइए बच्चों सवाल, ठीक। तो इस सवाल को किस प्रकार से देखेंगे हम लोग, देखेंगे तो गोलाई से ही, 10% के पास दोनों हैं, यहां पर दे दिया 10%, तो 10% हमने लिख दिया, तो 70 के पास फोन है, 10 चले गए तो केवल के पास, 60 के पास, 20 के पास तो 10 के पास, 60 10 70 20 80, परिवार में कुल कितने लोग हो गए 80 लोग, और हैं परिवार में कुल कितने 100 लोग, तो 100 की वैल्यू क्या 80, निकालना बच्चों किसकी है, 70% लोगों के पास, कितने लोगों के पास फोन है, तो कितने 70 के पास, तो 70% हटा दो 10 से 10 बराबर 700/8, ठीक, लगाइए आप लोग। समझ में, देखिए आप लोग यहां कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हर सवाल में जो पिछले सवाल मैंने बताए थे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 100 के पास जितने ज्यादा, तो आप लोग एक देखिए कि जो वो सवाल था उसमें क्या था, उसमें
दोनों लोगों के पास परसेंटेज में नहीं देता था, यहां पर दे दिया तो दे दिया, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी इनका 100 से ज्यादा नहीं होगा, 70, 80, 90 वैसे भी नहीं है। तो क्या 10 दे ही दिया, तो 70 में से 10 गए 60 है ठीक, 30 20 में से 10 गए 10, तो कुल कितने हो गए परिवार में 80। और यहां पर कुल कितने हैं 100, तो 100 की बटे 80 चाहिए किसकी, 70 की, 10 से 10 700/8। या और काटना है तो काट दो, किससे 25 से काट दो, 25 सॉरी 4 से काट दे, 4 7 28 हाँ 4 से काट देते हैं, तो 4 7 28 2 4 5 20 75/4 4 1 4 क्या कितना बचा 3, 4 7 28 4 5 20 175/2 बराबर 87.5 ठीक। इतने देख लीजिए आप, अगला सवाल बोलूं मैं, लिख लीजिए आप लोग। लिखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए कि एक कक्षा में क्वेश्चन है बच्चों, एक कक्षा में 30% विद्यार्थी मैथ में पास, 20% हिंदी में पास, होते हैं तथा 5% दोनों में पास होते हैं, तथा 5500 विद्यार्थी फेल होते हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे ठीक। तो एक कक्षा में 30% विद्यार्थी मैथ में पास होते हैं बच्चों, तथा 20% विद्यार्थी हिंदी में पास होते हैं, तथा 5% में दोनों पास होते हैं, तथा 5% दोनों में पास होते हैं, तथा 5500 विद्यार्थी फेल होते हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या लगाइए बच्चों, देखिए सवाल सेम सवाल है वही, बस आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो सेम। देखिए पहला गोला दूसरा गोला, पहले बीच के रखे कितना है बीच में 5%, तो 5% बीच में, कक्षा में 30 है तो 5 चले गए 25% मैथ में, हिंदी में 20 है तो 5 चले गए तो 15%, तो कुल कितने परसेंट पास हो गए 15, 5, 20, 25, 45। यदि 45 पास हो गए तो फेल कितने होंगे 55,
पचपन फेल हो गए, और फेल हुए कुल कितने हैं 5500। तो 5500 बटे 55 परसेंटेज में 100, 55 55 बराबर 1 2 3 4 10,000। तो कुल स्टूडेंट कितने रहे होंगे बच्चों 10,000। ठीक, अगर दोनों में कुल इतने विद्यार्थी पास हुए तो फेल कुल कितने होंगे, तथा इतने 5500 विद्यार्थी फेल होते हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, अगर 45 पास हो गए तो फेल कितने हुए 55, और यहाँ पे हो कितने रहे हैं 5500। तो 5500 बटे बच्चों कितना होगा, 5500 बटे बच्चों होगा 55। 55 चाहिए कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो गुणा 100, 55 से 55 कट गया, एक के पीछे दो जीरो और चिपका दो, तो कुल कितने विद्यार्थी रहे होंगे क्लास में 10,000, जिसमें 45% बच्चे पास हुए, 55% बच्चे फेल हुए। ठीक, लिख लीजिए आप लोग, समझ में आ जाना चाहिए। वैसे आपको इतने कई क्वेश्चन बता चुका हूँ कि सवाल जो पूछे वो करना है। बच्चे इतने कुल कितने हो गए 45, 45 पास हो गए तो फेल कुल कितने होंगे 55 फेल होंगे, और हो फेल कितने रहे हैं 5500, तो कुल के लिए 100 का गुणा, लिख लीजिए आप लोग। लिख लीजिए जब तक मैं साफ कर दूं, फिर एक बच्चों हो गया तो साफ करूं मैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक गांव में क्या 30% क्या है गाय है, शॉर्ट लिखे दे रहा हूं मैं, ठीक बोलता जा रहा हूं। किसी गांव में 30% गाय है तथा 30% लोगों के पास गाय है तथा 50% लोगों के पास क्या है भैंसे हैं, भैंस। ठीक, 20% लोगों के पास दोनों है, दोनों। यदि गांव में, ठीक दोनों हो गई, यदि गांव में 100 लोगों के पास केवल गाय हैं तो केवल भैंसों की संख्या बताओ, बताइए आप लोग। देखिए सवाल क्या है, 30% लोगों के पास क्या है गाय, 50% लोगों के पास क्या है भैंसें, 20% लोगों के पास क्या है दोनों। यदि गांव में 100 लोगों के पास केवल गाय हैं तो केवल भैंसों की संख्या बताओ। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों से यह सवाल नहीं बनता है आप तो क्या है फिर, और मेहनत करो आप लोग, क्योंकि इस तरीके के मैंने 2-3 सवाल बता दिए हैं अभी, इसलिए अब तो यह सवाल बन जाना चाहिए लगभग। चलिए देखिए, अगर लाइव होता तो कमेंट कर मैं देख लेता कि किस किस के आए हैं। देखिए गोला, दोनों के पास कितना है 20%, तो 20% को बच्चों हमने रख दिया बीच में, तो गाय कितनी है 30, तो 30 में से 20 गई गाय, क्या बची 10। ठीक, देखो जी क्या केवल गाय, 50 में से 20 गई कितना बची 30, केवल भैंस। अब क्या कह रहे हैं बच्चों कि यदि गांव में 100 लोगों के पास क्या है केवल गाय है, तो केवल गाय कितने इनके पास है, केवल 10 के पास, तो 10 के पास। केवल भैंस कितनों के पास है 30 के पास, तो क्या 30 का क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। देखिए जो निकालना होता है हमें उसका गुणा कर देते हैं। यदि गांव में 100 लोगों के पास केवल गाय है तो केवल भैंसों की संख्या बताओ, तो 100 लोगों के पास केवल गाय, गाय केवल कितनी है 10, 10 कैसे हुई, अगर 30 गाय है
20% दोनों में है तो केवल कितनी होगी 10%, इसी प्रकार से। ठीक, तो एक जीरो बराबर 300। ठीक, तो केवल भैंसें कितनी होंगी 300 होंगी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों से क्वेश्चन बन गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको साफ कर दूं। एक सेकंड, अगला क्वेश्चन मैं देख लूं थोड़ा किताब में कोई हो। किसी कक्षा में तो एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में तथा 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं। ठीक, एक परीक्षा में देखिए, एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल, इंग्लिश में फेल तथा 52% विद्यार्थी मैथ में फेल, 52% विद्यार्थी मैथ में फेल होते हैं तथा 17% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए तथा 17% विद्यार्थी विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। ठीक, दोनों में फेल हुए तो 46 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। हुए तथा 46 विद्यार्थी दोनों तथा 46 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हों, 46 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हों तो कुल विद्यार्थी क्या होंगे बताइए। देखिए, एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल होते हैं तथा 52% विद्यार्थी मैथ में फेल होते हैं तथा 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तथा 46 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या। देखिए बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सेम यही इसी प्रकार का सवाल बताया है आपको, तो देख लीजिए आप, एक और देख लीजिए, यह आज का लास्ट सवाल होगा। देखिए, दोनों विषयों में 17, तो इसमें कितने होंगे, केवल इंग्लिश में 42 में से 17 गई, 12 में से 7 गई, 5, 25। ठीक, इसी प्रकार 52 में से 17 गई, कितनी बची 35। तो कुल कितने विद्यार्थी फेल हो गए, तीनों को जोड़ दो, 35, 5, 40, 77% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। तो पास कितने होंगे, 23% पास होंगे। ठीक,
तो पास कितने हो रहे दोनों में, 46। तो 46 पास हुए, कितने हुए 23 कुल विद्यार्थी, 100 23 दूनी 46 बराबर 200। ठीक, तो कुल विद्यार्थी कितने रहे होंगे 200। ठीक, समझ में आया आप लोगों को। देखिए, एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए तथा 52% विद्यार्थी मैथ में फेल होते हैं तथा 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। तो दोनों में फेल कितने हुए, 17%। तो यहाँ पर क्या आएगा, 42 में से 17 कहीं 25% केवल अंग्रेजी, केवल मैथ 52 में से 17 कहीं 35। तो कुल कितने फेल हो गए, तीनों को जोड़ दो तो 77% फेल या 77% फेल। ठीक, तो 77% बच्चों अगर फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे, 23, और यहाँ पर कितने 46। 46 पास हुए तो यहाँ पे क्या हुए, 23। वैल्यू किसकी, 46 की, चाहिए किसकी, 100 की, तो 100 का। ठीक, तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं आपसे अगले टाइप पर। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यह चैनल आपका ही चैनल है। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए, बेस्ट कंटेंट दे सकें, आप भी अपना सहयोग बनाए रहें। धन्यवाद। जय हिंद।